अब भी उतने ही ईमानदार हो जितने पहले थे वो अब भी उतनी ही चालू है जितनी पहले थी रोहन अब भी उतना ही ढीठ है जितना पहले था मेरे पापा अब भी उतने ही उदार हैं जितना पहले थे वो अब भी उतना ही चंचल है जितना पहले था तो इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर बोलते हैं जिसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट इज और आर जस्ट एज देन आपका एडजेक्टिव आएगा देन एज प्रोनाउन जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन आएगा देन वॉज और वर्ड बैक देन अगर आपके सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो इज और वॉज यूज करना है यहाँ पे और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर और वर यूज करना है ओके okay? ये स्ट्रक्चर हम करेंट और पास स्टेट से कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं कि मतलब जो क्वालिटी हमने बताई है वो अभी भी उसमें प्रेजेंट है चलिए एग्जाम्पल्स की मदद से थोड़ा और अच्छे समझते हैं शिक्षक अब भी उतनी ही सख्त है जितनी पहले थी द टीचर इज जस्ट एज स्ट्रिक्ट एज शी वॉज बैक देन

रोहन अब भी उतना ही डीट है जितना पहले था रोहन इज जस्ट एज इंसोल्ट रोहन इज जस्ट एज इंसोलट मेरे पापा अब भी उतने ही उदार है जितना पहले थे माई फादर इज जस्ट एज जेनरस एज हीस्ट एज जेनरस एज ही सेंटेंस आप लोग की प्रैक्टिस के लिए है कुत्ता अब भी उतना ही चंचल है जितना पहले था मतलब आपके यहाँ स्पेट होगा तो उसके लिए आप बोल सकते हैं इसी तरह के नए नए स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के लिए आगे भी लाती रहूंगी जो नेटिव स्पीकर एक्चुअली यूज करते हैं तो इन्हीं को प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी कन्वर्सेशन इंप्रूव हो सके और आप फ्लुएंट बन सके कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जो एडवांस स्ट्रक्चर है उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसको आप देख सकते हैं जिसमें आपको अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग अ ग्रेट डे